ये वीडियो सभी छात्र छात्राओं के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लो, स्किप ना करें। जस्ट आपको बता दूं कि विश्वविद्यालयों में स्नातक दाखिलों की CUET UG 2023 में अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, भौतिक इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, रसायन गणित, अप्लाइड गणित और जनरल टेस्ट के पेपर में छात्रों को 15 मिनट का अतिरिक्त समय मिलने वाला है। अन्य विषयों के पेपर को हल करने के लिए 45 मिनट का समय मिलेगा। शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक CUET UG 2023 की परीक्षा में पहली बार अकाउंटेंसी, कंप्यूटर साइंस समेत 9 विषयों के छात्रों को अतिरिक्त समय मिलेगा। इस समय उन्हें प्रश्न पत्र से पढ़ने से लेकर लिखने के लिए दिया जा रहा है। इन 9 विषयों के छात्रों को परीक्षा में 1 घंटे का समय मिलने वाला है। छात्रों और अभिभावकों की मांग पर नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि NTA और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने यह बदलाव किया है। उसके साथ ही आपको बता दूं कि गलत उत्तर पर कटेगा 1 अंक, वहीं NTE की CUET UG 2023 की नीति के तहत CUET UG 2023 में निगेटिव मार्किंग होगी। यदि कोई छात्र किसी प्रश्न का गलत उत्तर क्लिक करता है तो उसका 1 अंक कट जाएगा। यदि पेपर में किसी प्रश्न के 1 से अधिक उत्तर सही हो गए तो उन छात्रों को 5 अतिरिक्त अंक मिलेंगे जिन्होंने उनमें से ही किसी एक का विकल्प चुना होगा। आपको बता दूं कि 21 मई से शुरू होने वाली परीक्षा में छात्रों को बड़ी राहत दी गई है। उसके साथ ही बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी के बारे में। आपको बता दूं कि री एग्ज़ाम शेड्यूल जारी किया गया है, जिसमें कि आप यहां पर देख सकते हैं यह परीक्षा कार्यक्रम पुनः वर्ष 2022 के स्नातक स्तर के द्वितीय एवं तृतीय वर्ष की परीक्षा BA, BCom, BSc तथा BCom वोकेशनल प्रथम द्वितीय तृतीय वर्ष एवं प्रस्नातक स्तर की परीक्षा MSc, MCom, MA पूर्वार्ध उत्तरार्ध के छात्र छात्रों के लिए है। उक्त परीक्षा कार्यक्रम में सम्मिलित प्रत्येक विषय की परीक्षा की समयावधि 2 घंटे होगी। छात्र छात्राओं को लिखित परीक्षा में 10 प्रश्नों में से किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। उक्त परीक्षा कार्यक्रम में स्नातक स्तर के OMR सीट पर आधारित होने वाले प्रश्न पत्रों में छात्र छात्राओं को 100 प्रश्न में से किन्हीं 50 प्रश्नों को हल करना होगा। OMR सीट पर आधारित होने वाले प्रश्न पत्रों की समयावधि 1 घंटा 30 मिनट की होगी। आप देख सकते हैं यहाँ पर DBRU ने रीशेड्यूल जारी किया है और आप देख सकते हैं हमारे पास पूरी डेट शीट है, ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, साथ में आप ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप सभी छात्र छात्राएं जो DBRU के स्टूडेंट्स हैं वो अच्छे से रीड कर ले कि आपका एग्ज़ाम कौन सी डेट में होने वाला है, उसी प्रकार से आप अपने एग्ज़ाम को देंगे। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन या क्वेरी है तो हमें कमेंट कर सकते हैं, साथ में हमें फेसबुक, इंस्टा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर ले, वहाँ पर भी हमें कमेंट कर सकते हैं। तो आपको वीडियो की लाइक करें, साथ में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो पर विजिट किया है तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को जरूर दबा ले, उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले। तो मिलते हैं लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।